हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे वीवो Y33S में और सैमसंग गैलेक्सी M31S में और देखते हैं कि दोनों में से बेस्ट फ़ोन कौन सा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले से, तो वीवो की है डिस्प्ले 6.58 इंच की, रेजोल्यूशन फुल HD प्लस और इसमें आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलती है। और सैमसंग की है डिस्प्ले 6.5 इंच की, रेजोल्यूशन फुल HD प्लस और स्क्रीन सुपर एमोलेड डिस्प्ले, और डिस्प्ले क्वालिटी में सैमसंग बेस्ट है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो सैमसंग का है मेट ए का G80 का और CPU 2.0 GHz, ऑक्टे कोर का 12 nm का FinFET, और सैमसंग का जो प्रोसेसर है वो है एक्सिनोस का 9611 और CPU 2.3 GHz, ऑक्टे कोर का और 10 nm का FinFET और GPU जी बेहतर का, और प्रोसेसर क्वालिटी में सैमसंग बेस्ट है। बात करते हैं बैक कैमरे की, तो वीवो का है ट्रिपल जो मेन कैमरा है 50 पिक्सल का, फिर टू का। सैमसंग का है क्वाड में जो मेन कैमरा है 64 पिक्सल का। वीवो का फ्रंट कैमरा है 16 का और सैमसंग का है 32 का, और कैमरा की क्वालिटी में सैमसंग बेस्ट है। बात की जाए बैटरी की, तो वीवो में है 5000 mAh की, सैमसंग में है 6000 mAh की, और दोनों फ़ोन की बैटरी टाइप्स नॉर्मल है, आप दोनों की बैटरी को निकाल नहीं सकते। और वीवो में चार्जर है 18 वाट का, सैमसंग में है 25 वाट का, दोनों में टैप्स का सपोर्ट है, दोनों में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस लॉक भी मिल जाता है, दोनों में आपको ट्रिपल सिम मिलती है, दोनों की है वारंटी 1 साल की। और वीवो में रैम है 8 GB की, सैमसंग में है 6 GB और 8 GB की, दोनों की मेमोरी सेम है, 128 GB की मिल जाती है। और वीवो में आपको एंड्रॉयड 11 मिलता है, सैमसंग में है एंड्रॉयड 10। और बात करते हैं प्राइस की, तो वीवो का है स्टार्टिंग 17,990 रुपये और सैमसंग का है स्टार्टिंग 16,999 रुपये। तो फिर आपको दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन पसंद आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको दोनों में से कोई फ़ोन लेना है तो आप सैमसंग के साथ जा सकते हो, ये बेस्ट है, बाकी आपकी चॉइस है।